यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ डिस्कस करेंगे उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम कैसे था। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हायर एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा महाविद्यालय, कि महाविद्यालय कैसे था, कब आया, क्यों रहा। ठीक, 1757, ये 1757 है, और इसके देखिए ठीक 100 साल के बाद का जो टाइम है 1857 में, आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भी 1857 में क्या हुआ था। ठीक, और बहुत ही फेमस जो बैटल है 1857 की मानी जाती है, और 1757 में बता देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होगा, ये तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी इसको बोलते हैं हम लोग, प्लासी का जो युद्ध था वो, इसको चाहो तो मैं लिख भी देता हूँ, प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, और इसी के तुरंत बाद 1764 में हुआ आपका बक्सर का युद्ध। ये जो दोनों बैटल थे, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, इनके बाद में ही, जो मैंने आपको पहले वाला वीडियो में बताया था, इनके बाद में सिस्टम शुरू हुआ। ठीक है, एजुकेशन का डेवलप होना, क्योंकि ज़रूरत क्या आती है वो सब मैं आप फिर डिस्कस कर चुका हूँ पहले, तो मैं दोबारा से यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा उन ज़रूरतों को। अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, महाविद्यालय का अगर हम युग देखते हैं तो पूरे 100 साल का हमें युग देखने को मिलता है। ठीक, इन 100 सालों में हुआ महाविद्यालय, स्थापित भी हुआ, चला भी, आगे भी बढ़ा, हर चीज़, अभी भी महाविद्यालय हमारे चल रहे हैं। लेकिन ये 100 साल का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले जो चलते थे वो मदरसा भी चलते थे। ठीक है, और कुछ जैसे मदरसा में मुस्लिमों को पढ़ाया जाता था। ठीक, और कुछ जैसे गुरुकुल टाइप के पढ़ते थे, वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। लेकिन इस टाइम पे सबसे ज़्यादा देखिए कलकत्ता में, आगरा में और बनारस में, इन तीनों जगहों पर सबसे पहले महाविद्यालय स्थापित किए गए। क्योंकि इन तीनों जगहों में क्या था कि जो बच्चों का एजुकेशन का सिस्टम था, ठीक है, वो ज़्यादा इस्टेब्लिश करना था। क्यों? कलकत्ता का जो एरिया है वो आप जानते हो कि भाई वहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, और आगरा का भी ऐसा ही है और बनारस का भी ऐसा ही था, क्योंकि बनारस जो है वो तो आपका जो कलकत्ता उधर के यूपी में पड़ता है पूरा का पूरा एरिया, तो आज की डेट में तो यूपी है आप जानते हैं, लेकिन उस टाइम तो अलग ही पार्ट था एक प्रकार से, तो उसी में इंक्लूड था। तो ये जो तीन एरिया थे यहाँ पर कॉलेज बनाए गए। और महाविद्यालय के युग की अगर हम बात करें तो देखिए टोटल 23 कॉलेज बनाए, 23 कॉलेज महाविद्यालय के रूप में चलते थे, जिनमें जो एजुकेशन सिस्टम था वो ज़्यादातर क्या मैं बोलूँगा यहाँ पर, कि कम से कम 96% एजुकेशन सिस्टम जो था वो इंग्लिश था। और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम क्यों था, वो ब्रिटिशर्स की वजह से था। अब इन 23 जो टोटल 23 कॉलेज थे, उन 23 में से भी तीन जो कॉलेज आपके थे वो मेडिकल फील्ड के थे। ठीक है, मतलब चिकित्सा से रिलेटेड जो भी आपको समझना है, पढ़ना है, या डॉक्टर बनना है किसी को, उस जमाने में तो वैद हकीम चलते थे, जो नस पकड़ कैसे बता दिया करते थे। ठीक है, लेकिन डॉक्टरी इसको करनी है, MBBS करना है, किसी को चीर फाड़ करनी है, ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए मेडिकल कॉलेज केवल तीन हुआ करते थे। ठीक है, 23 में से, और एक जो कॉलेज था वो था सिविल कॉलेज। टोटल 23 में से आप चार निकाल दो तो आपके कितने बचे, 19 कॉलेज चलते थे आपके अदर एजुकेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, ये जो एजुकेशन सिस्टम था, अब देखिए सिविल कॉलेज आप खुद जानते हैं कि जो इंडियन हैं उन्होंने कितनी इमारतें बनाई थी पुराने ज़माने में। पुराने ज़माना कौन से ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, 1757 से 1857 तक। क्या जितना भी डेवलपमेंट हुआ उसमें इंडियन ने कुछ किया, कुछ आर्किटेक्चर बनाया? नहीं बनाया। क्यों? कॉलेज ही कम था। वो सब लोग ब्रिटिशर्स जो थे वो यही समझते थे कि भाई हम जैसे रहना चाहते हैं हम वैसे रहेंगे, हम इंडियंस के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे। ठीक है, और इसी के लिए देखो उन्होंने दो राजधानी अपनी बनाई थी। राजधानी दो कैसे बनाई थी? एक राजधानी बनाई थी कलकत्ता। ठीक है, और वो कब की राजधानी थी? सर्दियाँ हुई तो कलकत्ता में रहते थे भाई, गर्मियाँ हुई तो चले गए अपना कहाँ, शिमला की तरफ, वहाँ पर सर्दियों की, वो गर्मियों की राजधानी, क्योंकि वहाँ ठंड का मौसम रहता था। तो इस प्रकार से उन्होंने दो राजधानियां बनाई थी, क्योंकि वो हर चीज़ में उनका कंफर्टेबल देखते थे, उनको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो बदल दो। तो इसी के लिए उन्होंने सोच लिया भाई सिविल में बच्चों को डालना इंडिया के बेकार है, क्योंकि वो ही है वो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें बना डालेंगे फटाफट से।
ठीक है, सबसे पहले मंदिर का निर्माण करेंगे, मस्जिदों का निर्माण करेंगे। लेकिन ब्रिटिश चाहते नहीं थे ऐसा, वो चाहते थे कि भाई जो यूजफुल मतलब जरूरत के हिसाब से इमारतें होंगी उनका निर्माण होना चाहिए। तो इस वजह से सिविल पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब देखिए यहां पर जो 19 कॉलेज हम दिखा रहे हैं कि 19 कॉलेज जब दिए वो किसके लिए, ऐसी एजुकेशन के लिए दिए गए जिससे लोग कानून की पढ़ाई पढ़ सकें, ठीक है, और जो नॉर्मल बी है आपका ग्रेजुएशन होता है उसको पूरा कर सकें, जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वो क्लर्क लग सकें। ठीक, इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स को बिल्कुल सस्ते श्रम पे, ठीक है, एक बहुत कम सैलरी पर लोग मिलेंगे जो एजुकेटेड होंगे और वो उनके कहे अनुसार काम करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा सिस्टम ये बनाया था। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्रारंभिक महाविद्यालयों का युग कैसा हुआ। देखिए अभी हमने देखा 1757 तक का, अब हम उसके बाद में देखेंगे 1857 से 1860 तक का। तो ये वाला जो युग हम देखेंगे इसमें, देखिए इस युग के बीच में तीन विश्वविद्यालय बने। सबसे पहले तो तीन जगहों पर, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ठीक, यहाँ पर विश्वविद्यालय बन गए क्योंकि ये प्रारंभिक विश्वविद्यालय की बात हो रही है यहाँ पर, और इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होनी शुरू हो रही है। ठीक है, लेकिन जो प्रारंभिक विश्वविद्यालय है उसको लेकर के बहुत छीनाकशी चलती रही है। ठीक है, तो उसके लिए बनाया गया हंटर आयोग, इसको कहते हैं हंटर शिक्षा आयोग। जब हंटर शिक्षा आयोग बना तो हंटर शिक्षा आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन दिए जो आज भी चलते हैं, आज भी समझने को होते हैं। देखिए, और दूसरी बात कि ये वाले जो कॉलेज बनाए गए, ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के, ये कॉलेज बनाए गए खास तौर पे जो इंग्लैंड की जो यूनिवर्सिटी थी ना, लंदन की जो यूनिवर्सिटी थी उसके बिल्कुल पैरेलल बनाए गए कॉलेज, ठीक है, उसके समानांतर कॉलेज बनाए गए कि जैसी एजुकेशन वहाँ मिलती है वैसी यहाँ मिले। लेकिन आज के देखो, आज के टाइम में इंग्लैंड का जो कॉलेज है, लंदन का जो कॉलेज है, वो कहाँ निकल गया और हमारा कॉलेज कहाँ रह गया। ठीक है, तो इतना बड़ा गैप आ गया पॉलिसी में, लेकिन उस टाइम पर ये उसी के पैरेलल इस्टेब्लिश किए गए थे। अब बात करते हैं हंटर आयोग ने, देखिए हंटर आयोग ने कैसी कैसी सिफारिशें की। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि भाई शिक्षा क्या होनी चाहिए, ठीक है, उस चीज को डाला। ये क्यों डाला गया, क्योंकि जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 1 लाख रुपए की जो राशि दी गई लेकिन वो खर्च नहीं की गई, ठीक, तो यहाँ पे क्या कर शिक्षा की बात की सबसे पहले, तो कि भाई शिक्षा क्या होनी चाहिए। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, संरचना है, संरचना कैसा होना चाहिए, संरचना की बात की गई कि भाई कैसी होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड किसका, कॉलेज का, कि भाई कॉलेज का टाइम पीरियड होगा कि कितने समय, इसको मैं लिख सकता हूँ कि समय कितने बजे तक कॉलेज चलना चाहिए वो चीज़। ठीक है, पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस है वो डिसाइड किया गया, भाई सिलेबस क्या होना चाहिए आपका, तो ये सब चीज़ें डिसाइड की गई किसमें, हंटर शिक्षा आयोग में। और जब ये सब चीज़ें डिसाइड हो गई, लगा कि हाँ भाई अब एक सिस्टम बन गया है। सिस्टम बनने के बाद में क्या होगा, देखिए जब आपके पास पहले आप कोई कॉलेज स्टैब्लिश कर देते हो, ठीक है, और वो चल रहा है, फिर तो वही हो गया ना, जैसे तैसे चल रहा है वो चीज़, तो प्रॉपर तरीके से चल नहीं रही। लेकिन जैसे तैसे चलने के बाद में जब उसको आप प्रॉपर तरीके चलाना चाहोगे तो उसके लिए हंटर आयोग ने इस प्रकार की कुछ सिफारिशें कर दी। ठीक है, और यहाँ तक कि इसमें फंड भी होना चाहिए, कितना फंड होगा, और एक और जैसे कि आप बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन मस्ट हुआ करती थी उस टाइम पर भी, आज भी मस्ट है, उस टाइम पर भी मस्ट थी, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था ग्रेजुएशन का। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको 3 वर्ष की अवधि इसकी रहनी चाहिए ग्रेजुएशन की। ठीक है, और देखिए आज भी 3 वर्ष की चल रही है, हालांकि अभी बात कर रहे थे कि भाई 4 वर्ष इसको कर दो ग्रेजुएशन को, लेकिन होगा नहीं होगा वो अलग बात है। ठीक है, अभी आप क्या हंटर आयोग ने बताया था कि ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम जो 3 वर्ष का होना चाहिए। तो जब इतनी सारी चीज़ें, और भी बहुत, देखिए एक आयोग बनता था बहुत सारी चीज़ें बताता है वो वहाँ की जरूरत के हिसाब से, हमें केवल इतना जरूरत है हम इंतरा पढ़ेंगे इसमें, हम बहुत घुस के उसके अंदर PhD नहीं करेंगे। ठीक है, अब 3 वर्ष का पाठ्यक्रम तय कर दिया, तो जब हंटर आयोग ने सारी सिफारिशें अपनी दे दी और उनको मान भी लिया गया, तब लगा भाई हाँ इंडिया में एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। और इसको देखते हुए, इस सिस्टम को देखते हुए 1882 में पंजाब में और 1887 में इलाहाबाद में कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए। क्यों, क्योंकि अब एक सिस्टम, एक पॉलिसी बन चुकी थी, ठीक है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसके बिहाफ पर अब हमारा जो
ब्रिटिशर्स का जो एजुकेशन सिस्टम था, या फिर इंडिया का, मैं कहूँ कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था, वो चल सकता था। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, अलग अलग कॉलेज एस्टैब्लिश होने शुरू हो गए। अब उसके बाद में फिर 1902 आता है, ठीक, 1902 में बना भारतीय शिक्षा आयोग एस्टैब्लिश किया गया। पहले हंटर शिक्षा आयोग था, जिसमें खासतौर पर ब्रिटिशर्स पर ध्यान दिया गया, उसके बाद में भारतीय शिक्षा आयोग आ गया, और इसमें खासतौर पर बात की गई सीमा की। ठीक है, कि भाई जो पाठ्यक्रम है उसकी सीमा क्या होनी चाहिए, उसका मोटिव क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों की इसमें बात की गई। अब इसमें जो सीमा की बात देखिए, सीमा की बात में हम वापस से इसको हम कंसिडर जरूर करेंगे, इसको भी करेंगे। ठीक है, यानी कि समय, और समय हो गया हमारा, और क्या हो गया, जो बीए का पाठ्यक्रम होगा उसमें कितना समय लगता है वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। समय का मतलब वो समय नहीं कि भाई आप पाठ्यक्रम नहीं, केवल जो मैंने समय लिखा उसका मतलब है कि भाई टाइमिंग क्या होनी चाहिए कॉलेज को चलने की। ऐसा नहीं कि आप रात में चलाओ, दिन में चलाओ, या सुबह सुबह आप चला रहे हो, नहीं, सबके अनुसार एक समय होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज भी स्कूल में टाइम होता है ना, सुबह 8 से लगेगा, 1 बजे तक चलेगा, 12 बजे से लगे, ओ 1 बजे से लगेगा, तो शाम को 6 बजे तक चलेगा, ऐसा टाइम होता है ना, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग है ये। तो अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर हम अगले उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है।